उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन को कुचलने के अमानवीय प्रयास में मारे गए किसानों के परिवारों के प्रति अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव पीड़ित परिवार की सांत्वना के लिए प्रियंका गांधी को जाते समय उत्तर प्रदेश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके विरोध में नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आंदोलन किया गया है, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने। आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश की घटना का विरोध करते हुए आज जो है कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ है विशाल मुत्तुमवार जी, उनसे हम जानेंगे। सर, आज ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या मांग है कि और आगे किस स्वरूप में ये आंदोलन है? देखिए, ऐसा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी, इन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि जो कल लखीमपुर खैरी में घटना हुई उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर किसानों को एक मंत्री पुत्र की गाड़ी ने कुचल दिया, चार लोगों की वहाँ पर किसानों की जान गई और वो शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलनकर्ताओं पे इस तरह का जुल्म हमारे देश में कभी नहीं हुआ। ये अंग्रेजों के ज़माने में होता था। जालियांवाला बाग की घटना हमको याद आ गई, जब नियुक्तों पे गोलियां चली थी। उसी प्रकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी में आकर किसानों को अगर कुचल रहा होगा और उनके परिवारजनों से अगर प्रियंका गांधी जी मिलकर सांत्वना व्यक्त करना चाह रही होंगी तो उनको रोकने का क्या अधिकार है? क्यों उनको रोका गया? वो कोई वहां पर भड़काने के लिए नहीं जा रही थी। जिस तरह से वो हाथरस में गई थी परिवारजनों से मिलकर, आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, उनके साथ संवेदना व्यक्त करना क्या ये जुर्म है? आज अगर उनके परिवार के साथ बैठकर उनके दुख को बांटना, उनके आंसू पोंछना, क्या ये जुर्म है? और अगर प्रियंका जी ऐसा जहां करने जा रही होंगी तो क्यों उनको रोका गया? क्या वो फौज फाटा लेके गई थी? नहीं, वो सिर्फ 3-4 लोगों के साथ जा रही थी। पर उनसे क्यों ये सरकार डरती है? ये योगी उनसे क्यों डरता है? और वो अगर जा रही है, उनको अरेस्ट क्यों किया गया? तो हमारी ये मांग है कि तुरंत से तुरंत, ये देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के तहत कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। अगर आपने 144 भी लगाई हो तो वो सिर्फ 3 लोग जा रहे, वो कोई दंगा फैलाने नहीं जा रहे, वो जो उनके परिजन है उनके आंसू पोंछने जा रहे, और उनको रोकना ये अवैध है, ये कानून में नहीं बैठता। इसलिए हमारी ये मांग है कि तुरंत उनको रिहा किया जाए, नहीं तो पूरे राज्य में और पूरे देश में जेल भरो आंदोलन की घोषणा हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी ने की है और उसी की शुरुआत आज हमने ये आंदोलन से की है। तो हमने देखा कि लखीमपुर में हुई दुर्दैवी घटना का सांत्वन करने प्रियंका गांधी जी जो है जा रहे थे, उसी टाइम उन्हें अरेस्ट किया गया है यूपी सरकार द्वारा, और उसी के निषेध में यह आंदोलन आज शुरू किया गया है कांग्रेस की ओर से। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।